सोंधी में गलत तरीके से पर्चा निरस्त करने पर भड़के ग्रामीण। पक्कनपुर गांव का पर्चा सपा विधायक के इशारे पर कराए गए निरस्त। ब्लॉक खंड निर्वाचन अधिकारी की कार्यशैली पर उठने लगे सवाल। विकास खंड सोंधी शाहगंज में ब्लॉक खंड निर्वाचन अधिकारी के रूप में तैनात अधिकारी की कार्यशैली से मंगलवार को खासा बवाल खड़ा हो गया। ब्लॉक के कई गांव के दर्जन भर से अधिक प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने प्रमाक ब्लॉक मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर धरना दिया और ब्लॉक के निर्वाचन अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा किया। मुस्तफाबाद से आए ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे संदीप यादव ने आरोप लगाया कि ब्लॉक के खंड निर्वाचन अधिकारी ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान कन्हैया लाल से मिलीभगत करके ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए किए गए नामांकन का पर्चा बिना कुछ कारण बताए ही निरस्त कर दिया है। यहां 11 सदस्यों के पद पर चुनाव होना है जिसमें वार्ड संख्या 8, 9, 10 और 11 के लिए दाखिल किए गए सभी पर्चों को रद्द कर दिया गया है। इस मौके पर राजेश यादव, शबनम सुहेल अहमद और रामचंद्र यादव मुख्य रहे। ऐसा ही आरोप पखनपुर ग्राम के राकेश कुमार यादव अन्य ग्रामीणों ने लगाया। यहां 4 पदों पर निर्विरोध सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए किए गए आवेदन को ब्लॉक के अधिकारियों ने बिना कुछ कारण बताए निरस्त कर दिया जिससे लोगों में खासा आक्रोश हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह कार्य क्षेत्र के सपा विधायक के कहने पर किया गया है। यह साजिश ग्राम प्रधान और ब्लॉक के निर्वाचन अधिकारी ने सुविधा शुल्क लेकर किया है। आनंद सिंह ने आरोप लगाया कि हमने इस मामले की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मनीष कुमार वर्मा और मुख्य निर्वाचन आयोग को फैक्स व ईमेल के माध्यम से शिकायत की है। यही मामला है जो हमारे पक्ष के प्रधान हुए हैं, जो पार्टी है और उनके 3 सदस्य विरोध हो गए, जो हम लोग साथ भरवाए थे उसको निरस्त कर दिए। यानी आपका भी आरोप है कि पर्चा आपका खारिज करके आपने विरोधी पार्टी का जो है अपने पक्ष के बना लिए। तो आप पखनपुर से आए हो, तो कितना पर्चा आपका खारिज हुआ? 4 पर्चे खारिज हुए हैं। जो निर्विरोध थे वो खारिज कर दिए गए, जो लड़ाई में थे उसको निर्विरोध कर दिए। जी मामला यही है सर, जो हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी और सदस्य का हम फार्म 6 भरवाए थे, 2 उसमें से निर्विरोध मतलब की लिस्ट लगाई गई और 4 का पर्चा मतलब निरस्त कर दिया गया है। उनका 6 मतलब ये कर दिया गया है निर्विरोध। यानी कि आपका आरोप है कि आपके द्वारा भराए गए सारे पर्चे निरस्त कर दिए गए और विपक्षी द्वारा भराए गए सभी पर्चों को निर्विरोध चुनाव जिता दिया गया? जी जी सर, जी सर, ये मामला है। जी सर, अतरही गांव का? जी सर। क्या मामला है, आप लोग ब्लॉक पे भीड़ क्यों लगाए? ये ग्राम पंचायत के मुस्तफाबाद के सभी ग्राम पंचायत सदस्य के पद के प्रत्याशी हैं। इन्होंने चुनाव आयोग गाइडलाइन के अनुसार नामांकन किया था और बिना ही बताए ग्राम प्रधान द्वारा अधिकारियों से कर्मचारियों से मिलकर इन लोगों का पर्चा खारिज करा दिया गया। मैं नहीं, मेरी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी विपक्ष में, इसलिए मैं चुनाव आयोग से, निर्वाचन आरओ साहब से, निर्वाचन अधिकारी से मैं मांग करता हूँ कि जो मेरा पर्चा खारिज हुआ है उसका कारण बताया जाए। बिना कारण बताए पर्चा खारिज करके और सबको निर्वोध कर दिया गया 5-7 सदस्यों को। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ ब्लॉक में जुटे हैं और सब लोग बहुत दुखित हैं। मैं निर्वाचन अधिकारी से यही कहूँगा कि हमारे पर्चा जो खारिज हुआ है और उसका कारण बताया जाए ताकि हम लोग जो उसमें कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए खेसराय से इंद्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट।